है, धनिया नहीं है। धनिया नहीं है क्या मतलब? धनिया तो हमारे घर बहुत है। कहाँ पर लग रहा है? अपने टेरेस गार्डन में। अच्छा, लगी है वहाँ पर? हाँ, चलो ले आओ। चलो आपको दिखाते हैं धनिया, और आज उसकी पहली कटिंग करते हैं। चलो अभी ऊपर चलते हैं। चलो 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 आप। ये हमारा टेरिस गार्डन है। हमने आप पहले भी दो वीडियो डाली हुई हैं। ये हमारा ये धनिया लगा हुआ है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये एक महीने का रिजल्ट है इसका। और ये पालक है और ये मेथी है। चलो अब इसको कटिंग करते हैं और इसको दिखाते हैं। तो हमारे पास काटने के लिए और कुछ तो है नहीं है, जो मैंने कैंची लिया है तो कैंची से काटते हैं। चलो ये इस साइड का तो काफ़ी ग्रीन है, ये थोड़ा सा पीला पड़ रहा है, पहले इसी को काटते हैं। जितनी जरूरत है डेली ताजा काटो और यूज करो। तो हमें अपनी जितनी जरूरत होगी तो अपने उसकी जरूरत के मुताबिक उतना धनिया काट लो, ताजा ताजा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश धनिया। और यूज करो। ये हमने तकरीबन इतना धनिया जो काट लिया, थोड़ा सा और काट लेते हैं। ये हमने इतना धनिया ये काट लिया और चलते हैं। और इसके आलू के परांठों में डालने के लिए ये धनिया हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। तो चलते हैं नीचे। तो कहती थी ये धनिया नहीं है हमारे पास, ही कितना धनिया। ये दो तीन बार का हमारे यूज हो जाएगा। और हाल वाले परांठे बनाओ और खाओ। इसमें हमने डाला है धनिया, एक आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और दो प्याज, चार से पांच हरी मिर्च और इसमें नमक स्वाद अनुसार सब कुछ डालकर, और इसमें अजवाइन ज़रूर डालना जिससे हजम हो जाता है आलू का परोठा। और ये सब कुछ डाल के हमने मिक्स कर दिया है और ये हमारा आलू का परोठा तैयार है।